पंजाब से हरियाणा होते हुए बाहुबली मुख्तार अंसारी के काफिले की यूपी में हुई एंट्री, कड़ी सुरक्षा के बीच रोपड़ से बांदा जेल शिफ्ट किया जा रहा है। यूपी सरकार की अर्जी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिफ्ट करने के आदेश दिए। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली और चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू, 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा सन्नाटा। तेजी से बढ़ रहे हैं केस, देश में 24 घंटे में 96,000 बीमारों की पुष्टि। हरियाणा के सभी सरकारी महकमों में होंगे ऑनलाइन ट्रांसफर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 30 अप्रैल तक पॉलिसी लागू करने के लिए निर्देश, चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ की बैठक। रोहतक के बीजेपी कार्यालय में एक कार्यक्रम में ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यक्रम का विरोध करने वाले किसानों को कहा कि किसी भी आंदोलनकारी को कार्यक्रम रोकने का कोई अधिकार नहीं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा से किसानों को परेशानी हो रही है, सिर्फ 8 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, 50% किसानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तिगांव से पूर्व विधायक ललित नागर की मां को श्रद्धांजलि देने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा फरीदाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 4 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में प्रदर्शनकारियों ने शाहबाद विधायक रामकरण काला के निवास का घेराव किया, इसके साथ ही उन्होंने कोठी पर काला झंडा भी फहराया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दिल्ली के समाधि संघर्ष स्थल पर पहुंचे हैं, ताऊ देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि पर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने उनको श्रद्धांजलि देने सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्होंने जननायक जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सांसद नायब सैनी के विरोध किया, धक्का मुक्की में सांसद की गाड़ी का पिछला शीशा भी टूट गया। फसल पंजीकरण में आ रही दिक्कतों के चलते जाखल में किसान संघर्ष समिति ब्लॉक के किसानों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही समस्या के समाधान की मांग की। फरीदाबाद में हवलदार पैरा कमांडो पूरे 20 साल तक भारत माता की रक्षा कर रिटायर्ड होकर के अपने गांव पहुंचा, जहां पर लोगों ने उसका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों को अंबाला में पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि दी है, पूर्व सैनिकों ने नक्सलवादियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। फरीदाबाद के गांव मुंजेड़ी में कार्यवाहक सरपंच ने बड़ा कारनामा कर दिया है, सरपंच ने करीब 20 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट कर दी जबकि काम आधा भी नहीं हुआ। फतेहाबाद में वाहन रजिस्ट्रेशन के नाम से बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, सीएम फ्लाइंग ने के डीएसपी की शिकायत पर मामले में पुलिस ने 3 पूर्व एसडीएम, 2 क्लर्क सहित 8 लोगों पर धोखाधड़ी सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पानीपत में दहेज के लाभ में ससुराल वालों ने युवती को प्रताड़ित किया, उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, समझौते के लिए मायके पक्ष को थाने में बुलाकर मारपीट की गई। भिवानी के गांव सुई में महिला को पीटने का मामला सामने आया है, महिला के दोनों बेटे आर्मी में तैनात है, बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में गली में सफाई को लेकर कहासुनी हुई, उसके बाद एक पक्ष ने महिला की पिटाई कर दी। रेवाड़ी की पुलिस ने एक युवती को 2 अवैध देसी पिस्टल सहित गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार महिला से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि बाकी आरोपियों के बारे में पता चल सके। सोना के 3 गांव में लगी आग में 14 एकड़ जमीन में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, आगजनी से किसानों को भारी नुकसान हुआ। करनाल में 17 साल के युवक ने नहर में छलांग लगा दी, युवक ने बीते दिन व्हाट्सएप पर लिखा था कि वो जिंदगी से परेशान है, वो एक दिन मर जाएगा, फिलहाल गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की जा रही है। रादौर बस स्टैंड के बाथरूम में बंद मिले 2 युवकों में से एक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, शुरुआती जांच में मामला नशे की ओवरडोज का लग रहा है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। करनाल में इंद्री रोड पर सड़क दुर्घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, महिला देवर के साथ पानीपत अपने मायके जा रही थी, रास्ते में उसकी बाइक की टक्कर हो गई। केंद्र समेत देश के कई राज्यों में सत्ता चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया, पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया, लिखा कि स्थापना दिवस पर संगठन के हर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं, ये यात्रा अनगिनत कार्यकर्ताओं और मार्गदर्शकों के समर्पण और बलिदान का फल है। भिवानी में बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर सांसद धर्मवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी का झंडा फहराया, इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी है।